Hello everyone. Today I'm going to explain chapter 4, Mangoes Round the Ear of EVA subject. And before going to start the explanation, a small request for everyone. If you are the new member of my channel, please like, subscribe and share. And if you are already a member of my channel, I would like to thank you for subscribing my channel and keep supporting and do like this video. I need your support very much. So let's get started. There were a few children talking among themselves in the recess time. Neetu was saying that, wow, Aman's lunch has some sweet puris. So Neetu ne kaha ki Aman ke lunch mein to bahut sari meethi puriyan hain. And Aman ne kya bola? Aman ne kaha, hey, today Neetu has brought potato sabzi. Aur Aman ne kaha ki aaj to Neetu jo aalu ki sabzi lai hai. I have got bhindis. Aur Preeti ne kaha, aaj to main bhindi lai hoon. Oh Neetu, I think your potato sabzi is spoiled. और तभी अमन ने कहा कि अरे नीतू, तुम्हारी तो जो सब्जी तुम लाई हो लंच में तो ख़राब हो गई है. तुरंत प्रीति ने बोला, डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, हेयर टेक सम भिंडीज. उसने कहा, अरे ये मत खाओ, तुम बीमार पड़ जाओगी. और ऐसा करो, तुम मेरे लंच से कुछ भिंडी शेयर कर लो. सो स्टूडेंट, वो सब्जी ख़राब हो गई थी क्योंकि इसमें ख़राब स्मेल आई थी, फाउल स्मेल आ रही थी. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. बीजी रिटर्न द ब्रेड. अब बीजी ने क्यों ब्रेड रिटर्न की, देखते हैं. अमन्स बीजी वेंट द मार्केट टू बाय द ब्रेड. अमन की जो बीजी थी वो मार्केट गई ब्रेड लाने के लिए. एंड द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. और जो शॉप थी उसमें बहुत सारी भीड़ थी. शॉपकीपर पिक्ड अप द पैकेट एंड गेव इट टू द बीजी. और शॉपकीपर इतना बिजी था, बहुत सारा क्राउड था, कस्टमर्स थे, सो उसने पैकेट उठाया और बीजी को दे दिया. She looked at it and returned it immediately. लेकिन जब वो घर आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, इसकी तो शायद एक्सपायरी हो गई है. ओके, सो उन्होंने तुरंत रिटर्न कर दी. वो पूरी की पूरी ब्रेड का पैकेट खोला भी नहीं क्योंकि उससे पहले उन्होंने इसकी एक्सपायरी देख ली थी. और स्टूडेंट्स, हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उससे पहले हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट और MRP रेट ज़रूर देख लेना चाहिए. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. How does food get spoiled? अब food spoiled यानी ख़राब होता कैसे है, देखते हैं. The whole class can do this experiment together. ये आप खुद भी कर सकते हैं अकेले और क्लास में भी कर सकते हैं. आपको कुछ पीसेस लेने हैं ब्रेड के या रोटी के, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और उसमें थोड़े से पानी को छिड़क देना है उसके ऊपर सरफेस पर, और उसको बॉक्स में बंद कर देना है. See the bread and put into the box. उसको बॉक्स में बंद करना है. See the bread and roti every day until you find some changes. और ब्रेड को कंटिन्यूस रोज़ रोज़ देखना है जब तक उसमें कुछ चेंजेस ना आ जाए. Make this table on the chart paper and put it in the classroom. और आपको क्या कर सकते हैं, आप चार्ट पेपर पे क्लासरूम में स्टिक कर सकते हैं कि चेंजेस आपने क्या देखे एवरी डे में. आपको पिक्चर में दिख ही रहा है ना, हल्का सा फंगस उसमें उगने लगा है. तो स्टूडेंट, जैसे ही कुछ भी नमी या वाटर या जो ह्यूमिडिटी है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, उसी को हम बैक्टीरिया कहते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. चिंटू बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन द अरियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश. चिंटू बाबू और चिन्ना बाबू जो है ये आंत्रेपुरम नाम के जगह शहर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे रहते थे. द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन. और दोनों भाई खूब मस्ती करते थे. समर हॉलीडेज वेकेशन तो होते ही हैं. कहाँ पे? वो जहाँ पे अत्यापुरम में थे, जहाँ पे मैंगो गार्डन में वो बहुत मस्ती करते थे. व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट, और ऐसा गार्डन जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हों. दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज, और उन्हें कच्चे आम, नमक और मस्त लाल मिर्च डाल के खाना बहुत पसंद है. एंड आई एम श्योर आप सब ने भी इसका टेस्ट लिया होगा और ये सुनते ही आप सबके मुँह में पानी आ गया होगा, है ना. सो एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज. घर में उनकी मम्मी कच्चे आम बहुत सारे डिफरेंट वेज में कुक करती थी कच्चे आम को. शी ऑल्सो टेक मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स, और बल्कि वो तो मैंगो के बहुत सारे अलग अलग तरीके के अचार बनाते थे. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अनटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन, और एक साल पूरा चलता था जब तक नेक्स्ट मैंगो सीजन ना आ जाए. वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्ट, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, मेक सम
अमीडी टंड्रा, जिसको आम पापड़ कहते हैं हम नॉर्मल भाषा में. देयर फादर सेड, उनके पापा ने कहा, मेकिंग अमरी टंडरा यानी आम पापड़ नीड 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क, 4 सप्ताह यानी 4 वीक्स का आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, अगर आप 4 वीक तक हमारी हेल्प करने के लिए प्रॉमिस करेंगे तो हम सब मिलकर क्या बनाएंगे, आम पापड़. बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्रीड टू हेल्प, और दोनों भाई की बहुत इच्छा थी आम पापड़ खाने की, इसलिए वो जल्दी जल्दी हाँ बोल दिया उन्होंने कि ओके हेल्प करेंगे. द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, और अगले ही दिन वो दोनों अपने पापा के साथ मार्केट गए. दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम लीव्स ऑफ पाम ट्री, उन्होंने एक मैट ली जो पाम ट्री की पत्तियों से बनी थी. पोल्स ऑफ कौशरिया ट्री, और 2 डंडे लिए कौशरीना ट्री के. अ स्ट्रिंग्स मेड अप ऑफ कोकोनट हस्क, सम जैगरी एंड शुगर. अब देखते हैं ये सब थिंग जो चीज़ें लाई गई थी उसका क्या किया. अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, और अम्मा ने एक जगह ढूंढ ली जहाँ पे अच्छे से रोशनी आती थी और धूप आती थी. बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाई यूजिंग द पोल्स, और उस पोल्स को क्रॉस करके उन्होंने एक, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, एक जगह बना ली. दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसी मैट को उन स्टिक्स में उन्होंने टाई कर लिया. द नेक्स्ट डे अप्पा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज, और नेक्स्ट दिन अप्पा यानी उनके फादर ने सबसे पका हुआ आम चुना. और दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू द लार्ज पॉट, और उसका जो पल्प है, जो चीज़ हम खाते हैं बहुत टेस्टी लगती है, मैंगो शेक बनता है जिसका, वो पल्प जो है वो एक बड़े से बर्तन में निकाला. देन दे स्ट्रेन द पल्प, स्ट्रेन मतलब उसको छाना, एक किससे, एक बहुत ही पतले मसलिन के कपड़े से, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उससे, ताकि उसमें जो फाइबर जो होते हैं, आपने कभी खाया होगा तो उसमें हल्के सा फाइबर्स आते हैं, उससे बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, ताकि वो ना आए पापड़ में, इसलिए उन्होंने छान लिया. देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़, और फिर चिट्टी बाबू ने क्या किया, जो गुड़ होता है उसको क्रश किया छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि कोई भी लम्स यानी टुकड़ा ना रह जाए. दे एडेड अ जैगरी एंड शुगर इन द इक्वल अमाउंट, और उन्होंने क्या किया, शुगर यानी चीनी, जैगरी मतलब गुड़, दोनों को इक्वल अमाउंट लिया. ओके, सो नेक्स्ट पेज में क्या है देखते हैं. टू द पल्प एंड चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद द बिग स्पून, और एक बड़ा सा चम्मच लिया और जैगरी शुगर को अच्छे से मिलाया. अम्मा देन स्प्रेड द पल्प इनटू द थिन लेयर, और अम्मा ने क्या किया, जो पल्प था मैंगो का उसको सर्कुलर फॉर्म में मैट में फैला दिया, जो पतली सी लेयर थी उसको सूखने के लिए रख दिया धूप में. इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद द क्लीन सारी टू अवॉइड एनी डस्ट, और उन्होंने क्या किया, जब शाम हो गई तो उन्होंने उसको मैट को वहीं रहने दिया और उसके ऊपर एक साफ साड़ी कवर कर दी ऊपर से, ताकि उसमें मिट्टी जो उड़ेगी एटमॉस्फेयर में वो पापड़ में ना स्टिक हो. द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, और फिर से वही उन्होंने पूरी प्रोसेस रिपीट की, मैंगो का पल्प निकाला, फिर जैगरी शुगर मिक्स किया और उसके ऊपर वापस से एक लेयरिंग और कर दी. देन दिस वर्क वॉज गिवन बोथ टू द ब्रदर्स, और ये काम किसका था, दोनों भाइयों का. बोथ ऑफ देम ट्राई टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स, और ऐसे करते करते एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स हो गई आम पापड़ की. फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स उनको होप करना था कि बारिश ना हो, अगर वो बारिश रहेगी तो आम पापड़ तो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आम पापड़ तो धूप में ही सूखते हैं. सो फॉर 4 वीक्स दे एडेड अ लेयर आफ्टर द लेयर अंटिल द जेली ग्रो 4 सेंटीमीटर, और वो ऐड करते गए जब तक वो लेयर 4 सेंटीमीटर की नहीं हो गई. इस वो कैसा लग रहा था, एक गोल्डन केक जैसा लग रहा था. आफ्टर सम डेज अम्मा ने कहा, जो पापड़ है इज रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इनटू द पीसेस टुमारो, आज सब अच्छे से पक गया होगा पापड़, एकदम सूख गया होगा, अब इसको हम कल पीसेस में कट करेंगे. द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉड डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और मैट को उतारा गया और जो पापड़ थे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में किया गया. द ब्रदर टेस्टेड इट एंड इट वॉज वेरी टेस्टी, चिन्ना बाबू सेड वाओ कितना टेस्टी है. चिन्ना बाबू को बहुत पसंद आया उसका टेस्ट, और कहा, देखा हम लोगों ने हेल्प की इसीलिए इतना अच्छा टेस्ट बना है. ओके, सो हमने आज क्या सीखा, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स को सुखाना चाहिए पहले सन में, इससे पहले कि अगर हम उसमें अचार डालेंगे, उससे पहले उस जिसमें भी हम स्टोर करने वाले हैं उसको पहले धूप में सुखाना चाहिए, ताकि उसमें 1% पानी की बूंद ना हो, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगा. दूसरा पॉइंट क्या सीखा,
कि आम पापड़ कैसे बनाते हैं, है ना. सो आई होप यू विल ट्राई एट होम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. टुडे आई एम ब्रॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 3 एंड आई हैव वन सरप्राइज फॉर यू. यस, आई हैव पोस्टेड अ फोटोग्राफ्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर द विनर्स ऑफ स्नेक मेकिंग एक्टिविटी. यस, और उन सब की फोटोग्राफ्स मैंने वीडियो के एंड में दी है. सो आई होप यू विल लाइक इट. सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई होप यू लाइक इट. एंड इफ़ यू लाइक इट, जस्ट लाइक एंड हिट द लाइक बटन. एंड इफ़ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब, फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियोज़ बनाती रहूँ. ओके, टिल देन शालिनी सचान साइनिंग ऑफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Love you, जिंदगी.